नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज 28 मई को कुलतू के खेत में अभिश्री टावर के सामने महाकुंभ, क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ है। इस प्रतियोगिता का आज जो शुभारंभ हुआ है, 1 जून तक ये प्रतियोगिता चलेगी। महाराणा प्रताप जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन आज गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। देखिए इस रिपोर्ट में। उन्हें प्रति माह 50,000 रुपए जेब खर्च दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य में। इतना बड़ा बदलाव खेलों के अंदर, और कोरोना आने से पहले उन्होंने नारा दिया स्वच्छ भारत का, दिया या नहीं दिया? कोरोना आने से पहले दिया। ये उनका विजन है, उनकी दूरदर्शिता है। उन्होंने कहा हाथ साफ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, शौचालय घर के नजदीक बनाइए ताकि महिलाएं उसमें जा सके मान सम्मान के साथ में, ताकि शरीर स्वस्थ रहो। उन्होंने उज्ज्वला योजना घर तक पहुंचाई कि महिला का फेफड़ा धुआं से नहीं भरना चाहिए, वो स्वस्थ रहनी चाहिए। अगर माँ स्वस्थ होगी, अगर बहन स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। ये सब कोरोना से पहले उन्होंने सोचा। और कोरोना में क्या हुआ, हाथ धोते थे नहीं धोते थे? मुझे बताइए, हाथ धोते थे नहीं धोते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले धोने के लिए बोला था नहीं बोला था? नाश्ता करवाना पड़ेगा। गोगुंदा में तो जोश होना चाहिए, नहीं? बोले भारत माता की। हाँ, तो हाथ धुलाने की बात प्रधानमंत्री ने पहले करी। दूर की सोच रखते थे, उन्होंने तैयार करा, उन्होंने फिट इंडिया को तैयार करा पहले, कोरोना आने से पहले। एक बार जब कोरोना शुरू हुआ तो सबने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करा या नहीं करा? उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया कि भारत स्वस्थ होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगर एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय अगर फिट हो जाएगा तो पूरा गांव फिट हो जाएगा, गांव फिट होगा तो पूरा समाज फिट होगा, पूरा देश फिट हो जाएगा। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने सोची पहले, उससे पहले कि दुनिया ने सोची। मुझे अपने देश पे गर्व है, मुझे अपने देश पे इसलिए गर्व है कि जब ऐसा माहौल आया पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जब 100 साल बाद वही बीमारी वापस आई जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था, उस समय किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारा देश खुद अपना वैक्सीनेशन बनाएगा, और एक नहीं हमने दो दो वैक्सीनेशन बना के तैयार कर दिया। कहां आज तक इतिहास होता था कि हम जब भी कोई बीमारी आती थी दूसरे देशों से वैक्सीन तैयार कर दिया। आज आप देख रहे हैं दो दो राष्ट्र भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देख रहे, लेकिन भारत मजबूती से उनका मुकाबला कर रहा है। किस कारण से हुआ, कभी आपने सोचा कि ये चाइना को क्यों कष्ट हुआ? पाकिस्तान को तो कष्ट रहता ही था, ये चाइना को क्यों कष्ट हुआ, कभी सोचा आपने? इसलिए क्योंकि भारत मजबूत हो रहा है, इसलिए कि जो सरहद पे सड़कें हैं, जो सरहद के ऊपर पुलिये हैं, उनको बड़ा बनाया जा रहा है, उनको चौड़ा बनाया जा रहा है। ये यूपीए के समय कांग्रेस के जो रक्षा मंत्री होते थे उनसे सदन में पूछा गया कि आप सड़कों को क्यों नहीं तैयार कर रहे, आपको शर्म आएगी उनका जवाब सुनकर। उन्होंने कहा कि हम सड़कों को इसलिए बड़ा नहीं बना रहे कि दुश्मन ना इस्तेमाल करके भारत तक अंदर आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं हम सड़क को चौड़ा करेंगे, हम पुलिये बनाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन देश के अंदर चले जाएंगे। ये फर्क आया, इतना बड़ा फर्क आया है। और ये फर्क इसी कारण से आया है क्योंकि देश के नागरिक जागरूक हो रहे हैं। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप गोगुंदा में भले ही बैठे हैं, आज इस कार्यक्रम में हम खेल के मैदान में भले ही बैठे हैं, लेकिन आप जो यहां से स्वर निकालते हैं, आपकी जो आवाज निकलती है, वो आवाज पूरी देश में जाती है, पूरी दुनिया में जाती है। ये आपकी जागरूकता ही है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत मिल रही है। अगर 25 में से 25 सांसद यहां से गए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कंधा मजबूत करने के लिए गए हैं, और वो 25 तभी यहां से चुने गए हैं क्योंकि गोवंदा जैसे जितने यहां पर विधानसभा है सबने कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि एक ऐसी पीढ़ी थी 2022 के अंदर जिसने अपने से पहले राष्ट्र को सोचा। ऐसे करने को तैयार हो तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं
और पूर्व में भी इन्होंने बहुत बड़ी प्रतियोगिता इस क्रिकेट की करवाई थी। पवन जी सोनी पधारे, इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और पूरी इतने युवाओं को छोड़ने का एक सार्थक काम आप हमारी इस पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है। नरपत सिंह जी जला हमारे युवा साथी और हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, साथ ही जितेंद्र जी प्रजापत, पंकज जी पालीवाल, हिम्मत जी, सुरेश जी सोनी, हिम्मत जी खटी, सुरेश जी तेली, कालूलाजी सरपंच हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत के महोदय पधारे, साथ ही इसमें नारायण सिंह जी छदाणा, गोपाल सिंह जी राणा साहब और लक्ष्मण जी राव साहब पधारे हैं, वो भी उपरने से हमारे राज्यवर्धन सिंह साहब का स्वागत। जीतेगी उसको 50,000 या 51,000 का, 51,000 रुपया पुरस्कार, जो सेकंड है उसको 31,000, 21,000 और जो तीसरी है उसको बाकी को पारितोषिक। मैं सोचता हूँ इस सारी प्रतियोगिता में लाखों रुपया कर, इस सबकी भी व्यवस्था करना, और इस टीम ने जिस तरह से इस ग्राउंड को तैयार किया गांव में, और इस पर्याप्त का ग्राउंड मिलना भी बहुत मुश्किल है, अगर कहीं है भी है तो पत्थर इतने हैं कि उनको बीनने वाला आदमी नहीं। ऐसी जगह पर आपने जिस प्रकार के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के नौजवानों को जोड़ करके एक स्थान पर लाने का प्रयास किया, जीत हार का कारण क्या है कि जब प्रतियोगिता होती है तो कमजोर से कमजोर पूरा दम लगा करके जीतने का प्रयास करता है। इसका मतलब समझ में आता है कि अगर आदमी मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, वो करने की शक्ति है। अभी राजवर्धन सिंह जी का जो भाषण हो रहा था, मैं सोचता हूँ ये देश का प्रधानमंत्री का भी 2014 में आना, ये कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति का करामात है दोस्तों। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई न कोई इस धरती पर अदृश्य शक्ति है जो हर समय में इस देश को संकट से बचाने के लिए किसी न किसी माँ की कोख से पैदा हुआ उसका बच्चा आगे आ जाता है और संभाल लेता है। हजार वर्षों तक संघर्ष करना, लड़ते रहना, खोपड़ियां टूटती रही, कटती रही, जनेऊ जलती रही, हमारे मंदिर ध्वस्त होते रहे, लेकिन कम से कम इस धरती से, इस महान धरती की इस परंपरा को नष्ट नहीं होने दिया। और इसलिए कभी शिवाजी पैदा हो जाता है, कभी गुरु गोविंद सिंह पैदा हो जाता है, कभी प्रताप पैदा हो जाता है, कभी शिवाजी पैदा होता है, कभी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाती है, कभी होलकर पैदा हो जाता है, कभी कोई पैदा हो जाता है। इसका मतलब इस धरती की जो महानता है वो ईश्वर की कृपा है। यहाँ भगवान राम भी कौशल्या की गर्भ से पैदा होता है, इसका मतलब समझ में आता है आप। ये धरती एक विशेष प्रकार की है, इस धरती को संवारने का प्रयत्न करें ना। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार, मुझे सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री की अगर कोई कहे कि एक नंबर किस चीज को देना है, इस गरीब के नाम से आने वाले करोड़ों रुपया ये बीच के दलाल खा जाते थे और इस गरीब के पास पहुंचता नहीं। आज कम से कम एक पैसे का भी कट नहीं लगता है, जो गर्मी में पसीना बहा रहा है वो मेरी बहन नरेगा की मजदूरी का भाई पूरा का उसके खाते में जाता है। ये चमत्कार करने का काम किसी ने किया 70 साल में, वो मोदी जी ने किया। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस बारे में पढ़ो, कारण क्या कि जब देश को आगे बढ़ाना है ना, तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो हम सबको करना है। अगर हम मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करने का प्रयास करें तो हम देश को कुछ ही दिनों में ठेठ आसमान पहुंचा दें। खेल जगत की महान हस्ती आदरणीय इस ट्रॉफी का अनावरण विजेता टीम को पारितोषिक के रूप में एक छोटे सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे और उसी दिन ये ट्रॉफी समापन समारोह में प्रदान। क्लियर
शुभम फोन कर टूर्नामेंट का इस महाकुंभ का आगाज, इसका आयोजन, इसका शुभारंभ क्यों हो रहा है लाइट चालू कर दो लाइटिंग नहीं आ रही दोनों टीमों के बीच में रस्म होती है कप्तान जीतू भैया सीधा पैरों।